उस वक्त देश में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा। इस सरकार को बाहर से कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था और चचा केसरी के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना जागने लगा था और बिना किसी दूसरी वजह के सीताराम केसरी ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सो रहे लोकतंत्र को जगाने की कोशिश में किसी शायर ने शेर लिखा है, ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं राजनीति। सच तो यह है कि लोकतंत्र नाम ही लूटने और लुटाने का है। सियासतदार यहाँ अपने ही सियासी पुरखों को नहीं छोड़ते तो आप और हम क्या बला है। ये सियासी लोग अपने पुरखों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि इनका ही हाथ थामकर वो कभी राजनीति में आए थे। ऐसे ही भुला दिए गए सियासतदारों में से एक सियासतदार थे कांग्रेस नेता सीताराम केसरी। सीताराम केसरी से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छीन कर सोनिया गांधी को देने के लिए सोनिया गांधी के भरोसेमंदों ने पूरी राजनीतिक पढ़ाई हवन कर दी। सीताराम केसरी को कुर्सी से हटाकर सोनिया गांधी को बिठाने के लिए पहले तो पार्टी के बड़े नेताओं ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया और फिर पार्टी के ही कुछ छुटभैये नेताओं ने खिलवाड़ किया बुजुर्ग सीताराम केसरी के साथ। ये खिलवाड़ सच में घिनौना था, वैसा जैसा कि किसी भी पार्टी के नेता के साथ नहीं होना चाहिए या कि कहा जाए कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। साल 1916 में पटना बिहार के दानापुर में सीताराम केसरी का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई के लिए वो दानापुर के ही सरकारी स्कूल में जाने लगे और साल 1930 में जब उनकी उम्र महज 13-14 साल की थी वो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गए। वो ढोलक बजाते थे और पटना के आसपास के इलाकों में घूमते चक्कर लगाते थे। यहाँ घूमते हुए वो लोगों को आज़ादी के फायदे बताते और उनको जागरूक बनाने की कोशिश करते। खैर, ढोलक लेकर आज़ादी की अलग जगाने तक वो न जाने कितनी बार जेल गए। अपनी जिंदगी के करीब 7.5 साल उन्होंने ब्रिटिश भारत के जेलों में कैद रहकर काटे। सीताराम केसरी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और इसी प्रभाव का नतीजा था कि वो आज़ादी से पहले ही कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए। वो चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बिंदेश्वरी दुबे, केदार पांडे, भागवत झा, आज़ाद और अब्दुल गफूर जैसे नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए। साल था 1967 और सीताराम केसरी ने पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बिहार के कटिहार से चुनाव जीता और संसद में अपने पांव जमा लिए। और इसके बाद जब वो दोबारा कांग्रेसी बने तो जिंदगी भर के लिए कांग्रेस के ही हो गए। 1973 में वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। काम अच्छा मिला तो प्रमोशन भी किया गया और साल 1980 में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिए गए। लगातार 16 सालों तक वो इस पद पर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। केंद्र की सत्ता में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कोषाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के कोष का हिसाब रखते थे सीताराम केसरी। वो ऐसा बढ़िया हिसाब किताब रखते थे कि उनके बारे में कहा जाने लगा था, न खाता न बही, जो चचा केसरी कहें वही सही। सीताराम केसरी जुलाई 1971 से अप्रैल 2000 तक पूरे 5 बार लगातार बिहार से राज्यसभा सदस्य रहे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी जगह रही। और इस सब के अलावा साल 1996 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो सितंबर 1996 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद 3 जनवरी 1997 को उन्हें विधिवत कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी के नेताओं ने खुद संगठनात्मक चुनाव कर उन्हें अध्यक्ष पद पर बिठाया था, लेकिन असलियत ये थी कि उन सभी ने इस संगठनात्मक चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया था और सीताराम केसरी को बस पद भरने के लिए चुन लिया गया था। लेकिन जो भी हो, जगजीवन राम के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के दूसरे गैर सवर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके अध्यक्ष बनते ही पार्टी के अंदर दुनिया भर की तकलीफें पैदा होने लगी। दलितों की बात, पिछड़ों की बात, सबकी बात करने वाली कांग्रेस ने उस वक्त अपना एक अलग ही रंग दिखा दिया। सीताराम केसरी अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसके चलते दक्षिण व उत्तर पूर्व के नेताओं को उनसे कुछ कहने सुनने में बड़ी तकलीफ होती थी।
इसके अलावा उत्तर भारत में कांग्रेस के बहुत से ऊंची जाति वाले नेता भी थे जो उन्हें अपनी पार्टी का नेता मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सीताराम केसरी ऊंची जाति के ना होकर पिछड़ी जाति के थे। सीताराम केसरी भी खुद उत्तर भारत के ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं को खास पसंद नहीं करते थे। आज हर पार्टी के संग गठबंधन करने को तैयार कांग्रेस उन दिनों अपने ही घमंड में रहा करती थी और वो किसी के साथ चलने को तैयार नहीं होती थी। उसे लगता था कि वो अकेले पूरे देश की राजनीति को संभाल सकती है। सीताराम केसरी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और काशीराम जैसे नेताओं के साथ मिलकर महागठबंधन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के बाकी बुद्धिजीवी इस बात पर राजी होने को ही तैयार नहीं थे। खैर, सीताराम केसरी एक मामूली पृष्ठभूमि से आकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच गए थे और उनकी इस उपलब्धि ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ा दिया। उस वक्त देश में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। इस सरकार को बाहर से कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था और चचा केसरी के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना जागने लगा था और बिना किसी दूसरी वजह के सीताराम केसरी ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार तो गिरी, लेकिन चचा केसरी तब भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके और दोबारा कांग्रेस के ही समर्थन से प्रधानमंत्री बनाया गया इंद्र कुमार गुजराल को। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। इंद्र कुमार गुजराल से जब चचा केसरी ने अपना समर्थन वापस लिया तब उनके पास वाजिब वजह थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने वाले जैन आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई थी और इस रिपोर्ट का एक अंश मीडिया में प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट के इस भाग से पता चला कि राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादी संगठन LTTE के तार DMK से जुड़े हुए हैं और यही DMK इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में साझेदार थी और गुजराल सरकार में DMK के 3 मंत्री शामिल थे। सीताराम केसरी ने इंद्र कुमार गुजराल से कहा कि वह उन मंत्रियों को सरकार से बाहर करें, लेकिन वो नहीं माने। इंद्र कुमार गुजराल ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बस सीताराम केसरी ने तुरंत समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मामूली पृष्ठभूमि से इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष बनने तक सीताराम केसरी ने बहुत कुछ किया था, लेकिन अब वो पार्टी के लिए जो कुछ भी कर रहे थे वो पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे थे। वो गर्व के साथ कहते थे कि कार्यकर्ताओं ने उनको चुनकर आगे बढ़ाया है, उन्होंने मुझे चुना है। उनका ऐसा करना कांग्रेस के बहुत से बुद्धिजीवी नेताओं को पसंद नहीं आता था। देश में मध्यावधि चुनावों की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और कांग्रेस उस वक्त मध्यावधि चुनाव की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने सीधे तौर पर सीताराम केसरी का विरोध भी किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस के बहुत से नेताओं को लगने लगा था कि खुद को सामान्य पृष्ठभूमि का बताकर सीताराम केसरी खुद को नेहरू गांधी परिवार से 4 कदम आगे दिखाना चाहते हैं और सोनिया गांधी को चुनौती देना चाहते हैं। इन्हीं चाटुकार नेताओं ने आग सुलगाना शुरू किया और आग को हवा देना शुरू किया। उन्होंने सोनिया गांधी के खास विंसेंट जॉर्ज के कान भरना शुरू किया कि सीताराम केसरी सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं और उनके विश्वास पात्र नेताओं के खिलाफ भी बोलते हैं। साल 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए, सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रचार का जिम्मा उठाया। ऐसी बहुत सी जगहें थी जहां सीताराम केसरी को प्रचार करने तक नहीं जाने दिया गया और इन्हीं कुछ जगहों में से एक थी सीताराम केसरी की जन्मभूमि बिहार। एक घटना और घटी इसी चुनाव के दौरान। चुनाव प्रचार जोरों पर था, सभी दलों के नेता चुनावी सभाओं में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक ऐसी ही सभा में भयानक बम विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने करीब 50 जिंदगियों को लील लिया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल किया। एक कांग्रेसी होने के नाते सीताराम केसरी ने यहाँ भी अपना फर्ज अदा किया। उन्होंने इस विस्फोट का आरोप संघ के ही सिर मढ़ दिया। जवाब में संघ की तरफ से सीताराम केसरी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया। इसके चलते सीताराम केसरी की छवि जनमानस में और बिगड़ गई। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सिर्फ 140 सीटें ही जीत सकी और हार का पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया सीताराम केसरी के सिर। लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी के अंदरूनी हालात और खराब होते गए। ऊंची जाति के बहुत से कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी से पहले से ही चिढ़े हुए थे और इस हार ने माहौल को और बिगाड़ दिया। इसी सबके बीच
जब केसरी ने पार्टी के मंडलीकरण की बात कह दी तो आग में घी सा पड़ गया और पार्टी के हारे हुए नेताओं को महसूस हुआ कि अब वो पार्टी में अपनी जगह भी खो देंगे। और यहीं से सीताराम केसरी के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने की साजिश शुरू हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 के इस साजिश के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किताब बताती है कि 5 मार्च साल 1998 को सीताराम केसरी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। जितेंद्र प्रसाद पार्टी के नेता, शरद पवार और गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात कही। सीताराम केसरी ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन सभी पर यह आरोप लगाते हुए बैठक छोड़कर चले गए कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस किताब में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि सीताराम केसरी खुद ही बैठक को छोड़कर चले गए। लेकिन उस वक्त की मीडिया के पुलिंदों को टटोला तो कुछ और ही खबर सामने आई। उस रोज 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर सीताराम केसरी के साथ बहुत बदसलूकी की गई और वो रोते हुए कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले। उस वक्त के बहुत से अखबारों ने उनकी रोती हुई तस्वीर को छापा और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की बात भी लिखी। उस वक्त के एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे राशिद किदवई, उन्होंने किताब लिखी ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ द पीपल बिहाइंड द फॉल एंड राइज ऑफ द कांग्रेस। इस किताब में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि सीताराम केसरी को कांग्रेस मुख्यालय से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया और इस काम में प्रणब मुखर्जी, एके एंटनी, शरद पवार और जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी का पूरा साथ दिया। इस घटना के बाद सीताराम केसरी के करीबियों ने उन्हें समझाया कि वो CEWC की बैठक बुलाना रद्द करें। इस बात की पूरी उम्मीद है कि बैठक में उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के संविधान में पूरा भरोसा रखते थे। वो मानते थे कि पार्टी के संविधान के अनुसार उन्हें तब तक पार्टी अध्यक्ष से नहीं हटाया जा सकता जब तक वो ना चाहें। लेकिन सोनिया गांधी के करीबी प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी के संविधान में न जाने कहां से वो प्रावधान ढूंढ लिया जिसके तहत CEWC को कुछ खास परिस्थितियों में बड़े से बड़े फैसले लेने का अधिकार था। खैर, बैठक हुई, प्रणब मुखर्जी ने सीताराम केसरी को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया और सोनिया गांधी के सामने पद संभालने का प्रस्ताव रखा। केसरी ने तुरंत बैठक स्थगित की और नाराज होकर अपने ऑफिस के अंदर जाने लगे। प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और एके एंटनी जैसे तमाम नेताओं ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पद ना छोड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिर में उस वक्त पार्टी के उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने बैठक की अगुवाई की और प्रणब मुखर्जी को इशारा किया कि वो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए। बैठक में मौजूद सीताराम केसरी के इकलौते वफादार तारिक अनवर ने इस फैसले का विरोध किया और बैठक का बहिष्कार कर दिया। उनके अलावा वहां मौजूद पार्टी के बाकी सभी नेता सोनिया के निवास 10 जनपद चले गए। उसी दोपहर कांग्रेस की अध्यक्ष वाली कुर्सी सोनिया गांधी को सौंप दी गई और टेबल से सीताराम केसरी का नेम प्लेट को हटाकर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उसी दिन के बाद से सीताराम केसरी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और अप्रैल 2000 में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने फिर से इसकी सदस्यता भी नहीं ली। यह विडंबना ही है कि जिस पार्टी के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के पास अरबों की अवैध संपत्ति निकलती है, उनकी पार्टी में एक ऐसे भी नेता थे जो लगभग 35 सालों तक सांसद रहे और 3 सरकारों में मंत्री भी, लेकिन उनके पास दिल्ली में रहने के लिए एक अपना घर तक नहीं था। ये नेता थे सीताराम केसरी। साल 2000 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि सीताराम केसरी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए और दिल्ली में घर दिया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि मैं 84 साल का हो गया हूँ, अब मैं अपने घर दानापुर जा रहा हूँ। इसके बाद कुछ ही वक्त बीता कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और साल 2000 ही में 24 अक्टूबर को एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अपनी जिंदगी के करीब 60 साल कांग्रेस के नाम कर देने वाला एक नेता दुनिया से चला गया और कांग्रेस के किसी भी नेता ने फिर कभी उसे याद भी नहीं किया। इस घटना की जांच करते हुए एक विश्वसनीय जगह से हमें बेहद घिनौनी बात पढ़ने को मिली। अध्यक्ष पद छिन जाने के बाद जब सीताराम केसरी दुखी मन से कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे तब वहां मौजूद यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनका मजाक उड़ाते हुए उनकी धोती तक खींचने की कोशिश की। ऐसे में मन में अनायास ही एक शायर खुर्शीद अकबर का शेर गूंज उठा। सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तख्त रखा था। सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तख्त रखा था। वो कैसा वक्त था, मुट्ठी में सारा वक्त रखा था।
तो आज की राजनीति में यह कहानी थी सीताराम केसरी की, एक ऐसे नेता की जो सामान्य पृष्ठभूमि से उठा और देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं ही उसके आड़े आईं। जिस पार्टी को उनको इज्जत देना चाहिए था, उस पार्टी ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जलील करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर किया। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। राजनीति के बारे में अपने सुझाव हमें जरूर देते रहें। मिलते हैं एक और अगले एपिसोड में किसी और राजनीतिक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।